स्टूडेंट्स, हम यहाँ आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे IUPAC नेम्स देंगे, उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की, हमने वो भी एग्जांपल्स की जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, JEE में, IIMT में, कहीं भी जो पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट्स हाइड्रोकार्बन। Now, what are these hydrocarbons? Hydrocarbons actually, as the name suggests, they are compounds made up of hydrogen. Compounds made up of hydrogen and carbon. Carbon and hydrogen, अगर compounds मिलके बनाएंगे उनको हम कहते हैं hydrocarbons. इससे पहले हमें थोड़ा basic पता होना चाहिए, जो carbon है इसका atomic number 6 है. Atomic number 6 means its first shell contains 2 electrons and the valence shell contains 4 electrons. तो कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टेबल बनने के लिए इसे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं या गेन करने हैं। बट इट इज़ नॉट इजी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दैट थिंग रिक्वायर्स और रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर ये क्या करता है, ये यूजुअली शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। स्टेबिलिटी मीन्स इसके वैलेंस शेल में जब भी ये शेयरिंग करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेट्रावेलेंट नेचर कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स। वी हैव टू डिस्कस देम, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनमें हमारा कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ना सी, हाइड्रोजन अगर हमारे पास में है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 मींस इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फर्स्ट शेल। तो हाइड्रोजन के लिए रूल ऑफ ऑक्टेट नहीं लगता है, रूल ऑफ डुप्लेट लगता है। स्टेबल बनने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा। मीन्स दिस हाइड्रोजन बिकम्स स्टेबल बिकॉज इट हैज नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस हाइड्रोजन बिकम्स स्टेबल, दिस बिकम्स स्टेबल, दिस बिकम्स स्टेबल। बट कार्बन को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल मीन्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे बिलोंग टू कार्बन आल्सो, दे बिलोंग टू कार्बन आल्सो, दे आर शेयर्ड। शेयर्ड मीन्स दे बिलोंग टू बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे बिलोंग टू कार्बन आल्सो, दे बिलोंग टू कार्बन आल्सो। देयरफॉर कार्बन हैज 2, 4, 6, 8 electrons. Now both hydrogen and carbon are stable. Therefore, compound is formed like this. We show these electrons by lines. Those lines we call them bonds. Now, अगर आपको यहाँ पे एक और concept मिल रहा है, ये जो bond होता है, ये क्या होता है? It is nothing. ये electron pair होता है. एक इस atom का electron, एक इस atom का electron. दो atoms अगर आपस में मिलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके बॉन्ड जो बनाते हैं, वो वी शो दैट विद द हेल्प ऑफ लाइन। दिस बॉन्ड इज नथिंग, इट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ना देखो, ये बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी हैं, ये हाइड्रोजन के भी हैं, इन्होंने शेयर किया है। देयरफॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन। 1 and 1 इलेक्ट्रॉन 2 स्टेबल, 1 and 1 इलेक्ट्रॉन 2 स्टेबल, 1 and 1 इलेक्ट्रॉन 2 स्टेबल, 1 and 1 electron 2 stable. Such type of compounds which are formed between carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbons. अब हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं ये hydrocarbons जो होते हैं इनके कितने types होते हैं, how many types of hydrocarbons are there, what type of compounds can we get by mixing, by sharing of electrons between carbon and hydrogen. ये जो hydrocarbons होते हैं basically ये 2 types के होते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड पार्ट जो है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? फॉर एग्जांपल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स जहां भी कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड। दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं।
कि उनको सैचुरेटेड कहते हैं कि इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे ये थिंग भी, लेकिन अभी मौका नहीं है, आपको अभी समझ नहीं आएगा। ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एग्जाम्पल इनकी है अल्केन्स, वी विल डिस्कस दोस अल्केन्स वन बाय वन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हमारे पास एटलीस्ट क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। देयर इज एटलीस्ट वन डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एटलीस्ट वन नॉट नेसेसरी आर एटलीस्ट वन। तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर इफ देयर इज वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वी कॉल दोज कंपाउंड्स अल्कीन्स, एंड वन ट्रिपल बॉन्ड वी कॉल दोज कंपाउंड्स एज अल्काइन्स। इफ देयर इज बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वी कॉल देम एनायन्स, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल वी कॉल देम एनायन्स। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स, अल्केन्स। Now, alkanes are the compounds which contain only carbon-carbon single bonds. You can't see there any carbon-carbon double bond. They contain only carbon-carbon single bonds. Now, ye alkanes kahan se start hote hain? Inke liye word root hota hai. Pehle word root. Word root kiske liye hota hai? Word root number of carbon indicate karta hai. Word root indicates number of carbon. Number of carbon. अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स अगर आपके पास वन है तो वर्ड रूट इसके लिए मिथ यूज किया जाता है। अल्केन्स में भी, अल्कीन्स में भी, अल्काइन्स में भी, हाइड्रोकार्बन्स में इफ यू हैव ओनली वन कार्बन एटम वर्ड रूट इज मिथ। अगर आपके पास दो कार्बन एटम्स है वर्ड रूट इज इथ। इफ यू हैव थ्री कार्बन एटम्स इट्स प्रॉप, एंड फोर कार्बन एटम्स इट्स ब्यूट, फाइव कार्बन एटम्स इट्स पेंट, सिक्स कार्बन एटम्स इट्स हेक्स, सेवन कार्बन एटम्स इट्स हेप्ट, एट कार्बन एटम्स इट्स ऑक्ट, नाइन कार्बन एटम्स इट्स नोन, टेन कार्बन एटम्स इट इज डेक, देन इट इज डोडेक, देन इट्स अनडेक, लाइक दैट। इफ वी हैव वन कार्बन एटम देन इट्स मिथ, टू कार्बन एटम वी हैव इथ, थ्री कार्बन एटम प्रॉप, ये वर्ड रूट है। उसके बाद अगर हमारा अल्केन होगा तो इसको हम एन यूज करते हैं, एन ऐड करते हैं, मीन्स अगर हमारे कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो हम उसको मीथेन कहेंगे, अगर वो अल्केन होगा। अगर दो कार्बन है तो उसको हम नेम देंगे इथेन, अगर तीन है तो प्रोपेन, अगर चार है तो ब्यूटेन। तो जब मैंने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था उसमें मैंने कहा था ये जो वर्ड रूट होता है उसके बाद हमारा सफिक्स होता है, तो यहाँ पे वर्ड रूट ये है और सफिक्स एन है, सारे अल्केन्स में सफिक्स एन है, वर्ड रूट में इथ प्रॉप ब्यूट है। इनको हम जनरल अल्केन्स को हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2, वायर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन, दैट मीन्स वी हैव वन सी। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन है तो फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन, दैट मीन्स C1H2 × 1+2, दैट विल कम आउट टू बी CH4। तो हमारा जो पहला हाइड्रोकार्बन है अल्केन है उसमें एक कार्बन एटम है और चार हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर एक कार्बन एटम है तो वो रूट मिथ होगा, और इसमें हम सफिक्स एन ऐड करते हैं तो इस कार्बन का, इस कंपाउंड का नेम होगा मीथेन। इस कंपाउंड का नेम अगर मीथेन है तो मीथेन में हमें एक कार्बन मिला और चार हाइड्रोजन एटम्स मिले। विल डिस्कस इट स्ट्रक्चर लेटर ऑन। नाउ n = 2 मीन्स CnH2n+2, दैट इज C2, H2 × 2+2, दैट इज C2, H2 × 2 = 4 + 6, H6, and this compound contains two carbon atoms, therefore its word root is it. Since we are discussing alkanes, they are general formula like this, therefore we add suffix n, it is ethane. Similarly, we can have n = 3, that means CnH2n+2, that is C3H2 × 3+2,
that is C3H6+2, that is C3HA. How many carbon atoms? 3. 3 means prop. Since it is alkane, because it is obtained from this formula, it's therefore it's propane. Now you have to determine formulas of these compounds by using this formula. For this, N is equal to 4, N is equal to 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do practice and we'll discuss it in next lecture. Thanks for watching this video. आप यहाँ पे गर्म आपके लिए ये प्रैक्टिस वर्क है. आप सारे अल्केन्स की स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा कर सकते हो स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा.